अध्यापनस्य शीर्षकम् अस्ति अनुस्वार व्यंजन संधि उपशास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत व्याकरणांश अनुस्वार व्यंजन संधि अनुस्वार व्यंजन संधि में पदांत म और न का अनुस्वार हो जाता है। इस व्यंजन संधि के तहत अपेक्षित सूत्रों की विवेचना की जा रही है। मूल अनुस्वार सूत्रमस्ति मो अनुस्वार सूत्रस फलितार्थ मान्तस्य पदस्यानु स्वारो मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि मान्त पद को अनुस्वार होता है पर में हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण के वर्णों के रहने पर हरिम वंदे मान्त है पद के अंत में मान्त है हरिम यह हरिम पद है द्वितीय विभक्ति एक वचन यहाँ हम विभक्ति है और इसके परे वह व्यंजन वर्ण है। तो सूत्र के अनुसार और उस सूत्र के अर्थ के अनुसार माँ का अनुस्वार हो गया यह अनुस्वार व्यंजन संधि है।
इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं। सत्यम वद, सत्यम वद, धर्मम चर, धर्मम चर, कार्यम कुरु, कार्यम कुरु, देशम रक्षति, देशम रक्षति इत्यादि। उदाहरण है गम्यते, तो मौ का अनुसार होगा मांत में ही, मौ ही रहने पर और वह पद हो। जैसे गम जोड़ यते यह गम्यते ही होता है, गम यते नहीं, गम्यते यह अनिष्ट रूप है। तो यहाँ गम में म है किंतु यह म पद नहीं है, आगे व्यंजन वर्ण है। तो पदस्य की उस प्रश्न का जवाब है कि पद रहने पर उस पदांत माँ का उसके परे व्यंजन रहने पर ही अनुस्वार होगा, इसलिए गम्यते में नहीं होगा। और यदि उसका गम्यते रूप होता है तो यह अनिष्ट रूप होता है, इसका प्रयोग नहीं होता। है नश्च पदान्तस्य झलि, मृत्यु है नस्य मस्य च पदान्तस्य हर यदि स्वारा है। नश्च पदान्तस्य न च पदान्तस्य झलि, झल यहाँ प्रत्याहार है, नस्य मस्य चार पदान्तस्य झल्य अनुस्वार च अपदान्तस्य। कह रहा है कि अपदान्त म और न को, अपदान्त म और न को अनुस्वार का विधान है, अपदान्त न और म को अनुस्वार का विधान है। न एवं म के अंत में, पद के अंत में न और म हो, उसके परे झल प्रत्याहार हो तो म के स्थान पर अनुस्वार होता है। जैसे
नश्चापदान्तस्य झलि के अनुसार नस मस चापदान्तस्य झलि की पदान और पदान ना और मा का क्या होता है अनुस्वार होता है परिच्छल प्रत्याहार करने पर। जैसे उदाहरण है यसान रसांसी आक्रम स्यते आक्रम स्यते अपदांत है यसान भी अपदांत है आक्रम भी अपदांत है तो अपदांत नकार और मकार का अनुस्वार होता है तो यह भी अपदांत है यह भी अपदांत है तो इस मा का अनुस्वार हो गया इस मा का अनुस्वार हो गया। पुनः तहत इस बात की चर्चा होती है मन्यते मन्य जोर यते अपदांत हो और नकार हो किंतु आगे यदि झल प्रत्याहार का वर्ण नहीं रहने पर पुनः वह ना का अनुस्वार नहीं होता है तो मन में जो ये नकार है और ये अपदांत है और आगे यह है वह झल प्रत्याहार का वर्ण नहीं है इसलिए वहां अनुस्वार नहीं इसलिए अपदान नकार और मकार के बाद झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण अनुस्वार के परे यह भी प्रत्याहार है अनुस्वार के परे यह प्रत्याहार का यदि वर्ण हो तो पर सवर्ण होता है। जैसे पुनः अनुस्वार के परे यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण होता है। साम जुड़ता
शांतः। यहां ये म है पदांत और आगे त है, वह त है नश्चा पदांतस्य। झलि सूत्र के द्वारा म के स्थान पर यह अनुस्वार हो गया और पुनः अनुस्वारस यही पर सवर्ण सूत्र के द्वारा ये त का सवर्ण क्या है त थ ग ध न, तो पुनः उसका अनुस्वार का ये त का पंचम वर्ण हो गया। साम जो त शांत शांत वा पदांतस्य पदांत अनुस्वार के परे यह प्रत्याहार के रहने पर पुनः उसका विकल्प से सवर्ण होता है। पदांत अनुस्वार के परे यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार को विकल्प से पर सवर्ण होता है। जैसे वह पदंतस्य के तहत उदाहरण है त्वं करोषि। यहाँ म है वो अनुस्वार से, इस म का क्या हो गया अनुस्वार हो गया, क्या हो गया त्वं करोषि। अब पुनः अनुस्वार के परे ये क यह प्रत्याहार का वर्ण है और पुनः ये अंग अनुस्वार के तहत वहां क के वर्ण क्या क्या है, क के सवर्ण है क ख ग घ अंग, तो पुनः इसका ये पर सवर्ण हो गया। तो पर सवर्ण की स्थिति में इसका एक पंचमाक्षर हो गया त्वं करोषि और एक साथ संयोग होने की स्थिति में हो गया त्वं करोषि और साथ ही साथ अभाव पक्ष में यह भी होगा त्वं करोषि। यह है वह पदांतस्य के तहत त्वं करोषि हो गया। त्वं करोषि ये अनुस्वार से माँ का क्या हो गया अनुस्वार हो गया त्वं करोषि और पुनः पदांत अनुस्वार के परे यह प्रत्याहार का वर्ण ये क है, तो क होने के कारण अनुस्वार को विकल्प से पर सवर्ण हो गया और क के सवर्ण क्या है क ख ग घ अंग और
सदृष्टम होने के कारण ही क्या हो गया कि अंगम अंग हो गया और कोष्ठ पर सवर्ण है इसके मुताबिक यह इसका रूप हो गया त्वं करोषि और अभाव पक्ष में त्वं करोषि। इस सूत्र का एक अपवाद है, कहता है मोराजी समह को मोराजी समह को पिवन रहा है कि जैसे सम जोड़ राट सम्राट कह रहा है कि मां का अनुस्वार नहीं होगा यदि मां है और मां से परे रहते मां राज धातु से परे रहते सम के मां को मकान नहीं होता है और इस प्रत्यय की स्थिति में किवंत राज धातु से परे किवंत राज धातु से परे म के स्थान पर म ही रहेगा अनुसार नहीं होगा सम्राट समझोलाट यहाँ यह म अनुस्वार का अपवाद है। इस प्रकार अनुस्वार व्यंजन संधि की चर्चा समाप्त हुई।